आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंडरकी के गांव बघी गोवर्धनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान धर्मेंद्र सिंह हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान और सचिव राम प्रकाश के द्वारा 4 वर्षों में कितना विकास कराया गया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंडरकी के बघी गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक कितने विकास हुआ है और गरीबों की किस तरह से इन्होंने यहाँ लॉकडाउन के चलते मदद की है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान जी से। तो बात करते हैं, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। 4 साल जैसे कि आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, इन बीते 4 सालों में क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में करवाए हैं? आपका स्कूल का सौंदर्यकरण कराया गया है जी, गांव में सीसी टाइल्स कराई गई हैं, शौचालय बनवाए गए हैं। मेरे कार्यकाल में 105 प्लस 22 127 शौचालय बनवाए गए। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास नहीं है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में कोई आवास नहीं मिला है, क्योंकि सन 2000 का जो सर्वे था, सन 2012 के सर्वे के आधार पर अभी तक आवास बनवाए जा रहे हैं, उसमें हमारे गाँव में कोई नाम नहीं था सन 2012 के। परिवार है नहीं गाँव में जिन्हें आवास की जरूरत है? लगभग कुछ परिवार हैं। मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसमें सर्वे 22 लोगों का नाम, 20 लोगों का नाम चयनित कराया गया है उसमें, उसके लिए प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित होकर भेजा जा चुका है। ब्लॉक से उसकी जांच उन आवासों की कराई जा चुकी है, वो कार्रवाई चल रही है आवासों में। केंद्र सरकार की जो जैसी योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो गरीबों के लिए, वो सब यहाँ पर मिले हैं। उज्ज्वला कनेक्शन कम से कम 400-500 कनेक्शन इस गांव में उज्ज्वला होंगे गैस के, और बिजली के कनेक्शन भी 350-400 हुए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार द्वारा कराए गए। वो किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा वो मिल रही है सम्मान निधि, लगभग यहाँ कोई एक्यूरेसी तो है नहीं, गिनती एक्यूरेसी मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग फिर भी 400-500 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और बहुत से लोगों की 2-2-3-3 किस्त यहाँ पर आ चुकी है, 2 भी आ चुकी है। प्रधान जी आज छोड़ दो, यहाँ पर जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं? हाँ, यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा एक अंत्येष्टि स्थल पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अलग से लगभग 24 लाख रुपए की धनराशि से उपलब्ध कराया, वो बना पिछले वर्ष 6 वर्ष में मिला के बना हुआ है। अस्पताल है यहाँ गाँव में? हाँ, स्वास्थ्य उपकेंद्र है गाँव में, उसमें डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, ANM आती है, मतलब रेगुलर आती हैं या कभी कभी? नहीं, रेगुलर टीकाकरण होता है, टीकाकरण होता है। दवाई वगैरह मिल जाती है जैसे मामूली खांसी? हाँ, वो दवाइयाँ वो ANM नहीं, वैसे नहीं मिलती दवाइयाँ, नहीं रेगुलर पर डे तो नहीं बैठ पाता कोई, लेकिन वो आती हैं हफ्ते में 2-3 बार टीकाकरण भी करती हैं, बच्चों को दवाई भी देती हैं, वो रेगुलर होता है जी। अब जैसे कि 70 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है देश में, और इसमें कई गरीबों को कई तरह की परेशानी सामने आई है, खाने की भी और वैसे भी, तो इसमें अपने गांव में, आपके अपने गांव में अगर कोई गरीब परिवार ऐसा रहा है तो आपकी भूमिका क्या रही है, उनकी किस तरह से मदद आपने? मेरे द्वारा मैंने स्कूल में एक कम्युनिटी किचन चलवाया था जी, और कम्युनिटी किचन में वो जितने गरीब थे 5-7 परिवार, उन्हें वहाँ से खाना दिलवाया गया था, उसके बाद उन्हें राशन भी मेरे द्वारा अपने द्वारा कच्चा राशन भी उन्हें उपलब्ध कराया जी। 5-7 ऐसे जैसे बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में भी बाहर से लोग आए हुए हैं? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत में बाहर जाए, लेकिन हाँ उनकी जाँच सबकी हो चुकी है, जो उन्हें क्वारंटीन भी किया गया, 2 लोग अब भी क्वारंटीन में चल रहे हैं, हाँ, जो जिस हिसाब से आए थे उसी से उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन कराया। किसी की रिपोर्ट यहाँ पॉजिटिव नहीं है? नहीं, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार अब जो सरकार ऊपर से पैसा देती है उसी कुछ सड़कों में लगाते हैं, प्रमुख मार्ग क्या, जो माननीय इस टाइम जो सरकार है उसने काफी कुछ ग्राम पंचायतों के विकास के लिए किया है, बाकी ऐड भी दिए हैं बाकी, और बाकी आप लोग गांव में आए होंगे, आपने गांव में सीसी सड़कें हैं, सीसी टाइल सब देखा भी होगा आपने, तो बाकी तो सरकार बहुत कुछ दे ही रही है, और बाकी हमारी तरफ से भी ये प्रयास है कि गाँव का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। वो कार्य योजना में परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत, कच्चे आवासों में तो यहाँ बिल्कुल कच्चे आवासों में तो यहाँ 5-7 परिवार रह रहे हैं जो बिल्कुल कच्चे हैं पूरी तरीके से, लेकिन जो अर्ध कच्चे जिन्हें कह सकते हो कि जिनकी दीवारें ईंटों की है, छत कच्ची है, टूटी हुई है, ऐसे लगभग 20 परिवार हैं जिनके नाम दिए जा चुके हैं जी। यहाँ पर जैसे बारात घर नहीं है, तो इसके लिए भी आप चाहेंगे कि यहाँ पर अगर सरकार राशि इतनी देती है
तो उसकी मदद से बारात घर यहाँ पर निर्माण कराया जा सकता। वैसे हमारे यहाँ इस गांव में स्वयं गांव की स्वयं गांव के अपने सामूहिक चंदे से बारात घर बना हुआ है, स्वयं गांव के सामूहिक चंदे से, उसमें किसी व्यक्ति का चंदा नहीं है, केवल गांव के अपने स्तर से बना हुआ है। अब जैसे सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं, काफ़ी अच्छा योगदान सरकार का इस समय में भी रहा है महामारी को लेकर की, और ये लॉकडाउन में भी काफ़ी हद तक जो है मदद की गई है, तो अपने ग्रामवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस समय को लेकर के कि आगे वो किस तरह से अपनी सतर्कता बरते। हालांकि लॉकडाउन खत्म हुआ नहीं है लेकिन अनलॉक है, तो आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, पूरे तरीके से गाँववासियों से पहले भी कह दिया है, आज भी कहते हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग से रहें, पूरा मास्क का निरंतर प्रयोग करें, मास्क बटवाई भी गए हैं और मास्क का निरंतर जो है प्रयोग किया जाए, हाथ साबुन से धोलें। ये लगातार आशा आंगनवाड़ी हमारी ग्राम सतर्कता समिति बनी हुई है जिसकी हर हफ्ते मीटिंग होती है और वो उसमें ये सब बताया जाता है और जाके लगभग सब परिवारों को समझाती हैं, जितना मुझसे हो सकता उतना मैं समझाती हूँ। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ ही लोगों को मिले हैं, शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में भी काफ़ी कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा गरीब परिवारों को काफ़ी हद तक मदद मिली है, जिससे कि इन्होंने एक रसोई का यहाँ पर जो है संचालन किया है, पक्का राशन जिन्हें खाने के लिए राशन खाना भी मुहैया हुआ है और कच्चा राशन भी प्रधान द्वारा यहाँ वितरित किया गया है। बाकी समस्याओं की तरफ अगर नज़र करें तो कुछ समस्याएं यहाँ अभी हैं, जैसे कि बारात घर यहाँ पर केवल गांव के अपने ही लोगों के सहयोग से बना हुआ है, बिना सरकार के या किसी भी अधिकारी शासन या प्रशासन की मदद के। अशरफ अली के साथ मनाजिम।